जो नाला सुपारा में जो वैभव राउत नाम के एक शख्स को पकड़ा गया, सनातन संस्था के मेंबर है, इनके पास 8 किलो बम बनाने का मटेरियल मिला और साथ ही साथ में इनके पास और कुछ सल्फर एसिड मिला जिससे 2 डजन बम बनाया जा सकता है। मराठा मोर्चा 2 दिन बाद है और ये 2 डजन बम किस काम के लिए, क्या काम के लिए? एटीएस ने इन पे नजर रख के इनको दबोच लिया है। अगर नहीं होता तो ये कुछ और करके चले जाते, इल्जाम कहीं और किसी और पे हो जाता, मतलब कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है इसके ऊपर ही ये इल्जाम आ जाता। इन लोग का प्लानिंग वही था, मराठा मोर्चा को डिस्टर्ब करने का प्लानिंग वही था। और साथ ही साथ में दोस्तों के मतलब हर बार ये एक्सक्यूज क्या है, मतलब साधु ही क्यों पकड़े जाते हैं, साधु के रूप में रहता वो टेररिस्ट क्यों रहता है, तो इसके बारे में जानकारी हमको बहुत होना चाहिए। शुक्रिया। अभी न्यूज़ चैनल में ऐसे देख रहा था नेट पे, तो न्यूज़ चैनल में मतलब एक टेररिज्म एक्ट, जो नाला सुपारा के टेररिज्म एक्ट में सनातन संस्था के एक मेंबर को पकड़ा गया, वो अभी तक मेंशन नहीं किया वो टेररिज्म एक्ट है, मतलब वो सस्पेक्टेड ही शो कर रहे हैं। ये जो सनातन संस्था, ये 1999 में ये इसको क्रिएट किया गया और ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे केस हो चुके हैं। 2007 में वाशी थाने और पनवेल में बम ब्लास्ट हुए थे, उसमें भी सनातन संस्था का नाम है। जो मशहूर पत्रकार गौरी लंकेश है उसके मर्डर केस में भी सनातन संस्था का नाम है, और ऐसे 2-3 मर्डर केस में सनातन संस्था का नाम है। 2015 में ये पूरे मर्डर केस से क्लीन चिट मिल गया इनको कोर्ट से। तो ये मतलब सनातन संस्था अब की बार जो बॉम्बे में महाराष्ट्र में मराठा मोर्चा था उसके 2 दिन पहले अरेस्ट हुआ, तो इनका प्लानिंग क्या था? मराठा मोर्चा को डिस्टर्ब करने का प्लानिंग था। और दूसरा चीज़ है कि मतलब अगर इन केस ये सनातन संस्था के अलावा कोई मुसलमान या कोई दलित को टेररिज्म एक्ट लगता तो उसको तो पुलिस उठाती उठाती, लेकिन साथ में पूरे मोहल्ले को भी परेशान कर देती, पूरे मोहल्ले वाले को भी भागना पड़ता। तो ये यहाँ पे दो दो नज़रिया देखा जा रहा है, मतलब अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। अभी जहाँ तक मैंने टेररिज्म एक्ट को नज़दीक से देखा है, तो जितने भी न्यूज़ रिपोर्ट्स बनाए हैं उसमें से ये पता चलता है कि मतलब जितने भी ये इससे पहले भी जो मालेगांव बम ब्लास्ट था उसको भी क्लीन चिट मिल गया, ऐसे जितने भी ब्लास्ट हो रहे हैं इन लोग को सनातन संस्था जो साधु के रूप में रहता है उसको क्लीन चिट मिल जाता है। तो ये था दोस्तों, ये मतलब काफ़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ है, लेकिन ये क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी था। सनातन संस्था बीजेपी के अलायंस में है और ये बीजेपी के लिए काम करती है, जिस तरह बीएचपी काम करती है उस तरह सनातन संस्था काम करती है। शुक्रिया दोस्तों, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।